अभी हम आए हैं श्री बॉम्बे बादाम मिल्क स्टॉल में। यहाँ पे बादाम मिल्क जो है बहुत फेमस है, यहाँ के बादाम मिल्क ट्राई करते हैं। बादाम मिल्क अवेलेबल है अभी? ओके। अब ये जूस वाला लोग भी बहुत शाना रहता। नॉर्मल दिन देखो ऐसा जूस बनाएगा, लेकिन जैसे कोई फूड ब्लॉगर दिखा। इसका फर्स्ट बाइट जब लिया तो बहुत सारी मलाई का टेस्ट आ रहा है, और बादाम जो है वो बड़े छोटे टुकड़ों में डाल के इसमें उन्होंने डाला है। जब भी हम ऐसा कुछ ड्रिंक पीते हैं तो बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है, तो इस बात का उन्होंने ध्यान रखा है। ये बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना स्वीट है। इसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, स्पेशली इसमें जो बादाम डाला है उसका फ्लेवर आ रहा है। बहुत ही यम्मी है और बहुत ही गर्म है ये, आप देख सकते हो। ये ग्लास मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, मैंने उसको इस तरीके से पकड़ा है, बहुत गर्म है ग्लास। और आपने देखा होगा उन्होंने चीनी भी ऊपर से डाली है। वेरी नाइस। अभी ये पिस्ता ट्राई करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग पिस्ता फ्लेवर है, आप देख सकते हो इसमें पिस्ता के पीसेस डाले हैं। सो फॉर अ चेंज मैंने पहले ये बादाम मिल्क पिया, जैसे आपने देखा ये पार्सल भी करते हैं, और ये जैसे देखा आपने बादाम मिल्क और वो गर्म था, ये लोग पार्सल भी करते हैं, और ये डायरेक्टली फ्रिज में से है ठंडा पिस्ता मिल्क। मन कर रहा है कि इसमें पूरा पी जाऊं। नहीं, आप ओनर हो, आपका नाम? किशोर सिंह। किशोर, यहाँ पे बादाम मिल्क फेमस है? अच्छा, एक ग्लास का कितना है? 40 रुपीज पर ग्लास। और बाकी भी वैरायटीज में आता है रोज और पिस्ता? कौन से फ्लेवर्स है? पिस्ता मिल्क, चॉकलेट मिल्क,
ओके लस्सी मैंगो लस्सी स्पेशल लस्सी ओके उनके प्राइसेस अलग अलग हैं सिर्फ रोज मिल्क 30 रुपीज बाकी सब 40 रुपीज का है ओके और ये कैसे बनता है मतलब दूध को उबालते हो आप और फिर वो मसाला आप घर पे बनाते हो अच्छा उसमें क्या कौन सा मसाला यूज करते हो इलायची पाउडर वगैरह बेसिक हाँ अच्छा बादाम और पिस्ता को ऐसा छोटे टुकड़ों में काट के डालते हो अच्छा ओके उसको कितना टाइम लगता है ये बनाने में बादाम मिल्क को बनाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है एक घंटे में तैयार हो जाता है दूध को उबालना पड़ता है ना बहुत टाइम तक उबालना पड़ता है एक घंटे का प्रोसेस और उसके बाद मसाला डाल के जो भी है बनाते रेडी हो जाता है और बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं मैं देख रही थी यहाँ पे फेमस है आप तमिलनाडु में बॉम्बे बादाम मिल्क सेंटर वेस्टर्न बोले तो फेमस है अच्छा 35 इयर्स ओल्ड बॉम्बे नाम कैसे आया क्योंकि हम अभी ट्रिची में हैं नाम ऐसे रखा है जो भी फिल्म का कोई नाम रखते हैं ना अच्छा आप बॉम्बे से हो हम राजस्थान से आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से और यहाँ पे ट्रिची में कैसे बिजनेस के लिए आ गए अच्छा राजस्थान यहाँ पे अच्छा पूरा तमिलनाडु में कर्नाटक केरला आंध्र प्रदेश तो ये 30 इयर्स ओल्ड है 35 इयर्स ओल्ड आप इधर आके कितने बड़े भाई ने ओपनिंग किया था मेरे बड़े भाई साहब ने आप इधर आके कितने 20 इयर्स आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो या कस्टमर है फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपको कैसे पता चला यहाँ पे बादाम मिल्क फेमस है तो मैं तो इधर ही है मेरा काम का घर इधर है अच्छा आप यहीं पे रहते हो आप कितना अच्छा हिंदी बोलते हो मैं बॉम्बे में काम करता था अच्छा ओके बॉम्बे में था ओके उसके बाद यहाँ पे आप सेटल हो गए मैं एकदम सरप्राइज थी कि आप इतना अच्छा हिंदी बोल लेते हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर लगता है कि तमिल मुझे नहीं आता और यहाँ पे हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके अच्छा आपको तमिल आता है आप तमिलियन हो ओके आपका नाम क्या है सर मेरा नाम शिवा 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 और आप ये बादाम मिल्क एंजॉय कर रहे हो ओके ऑल राइट एंजॉय थैंक यू ये शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ रहती है अच्छा तो अभी दोपहर का टाइम है इसके लिए अभी मौसम इस टाइप का नहीं इसलिए सुबह भी गर्म लगता है अच्छा नहीं तो शाम को आप लोग ठंडा मिल्क जो है वो ठंडा रहता है बादाम शाम को भी ठंडा भी चलता है गर्म भी चलता है दोनों ओके लेकिन हमारा वो टाइमिंग है इस मौसम के हिसाब से टाइमिंग अच्छा बारिश जैसा कुछ सीजन है इसके लिए ठंडा नहीं पीते लोग अच्छा लेकिन हमारा टाइमिंग है गर्म दूध का 4:30 बजे का 4:30 बजे का वो ये परमानेंट है अच्छा रात को दो बजे तक आते हैं लोग ओके आपका नाम क्या है मेरा नाम सुरेश कुमार है सुरेश कुमार ओके ऑलराइट थैंक यू आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हो गूगल पे और पेटीएम से ये स्कैन करके पे कर सकते हैं मुझे यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे क्या ये कहाँ पे है ये सेंट्रल बस स्टैंड कौन सा होटल अभिरामी होटल अच्छा तो गाइज आप देख सकते हो ये अभिरामी होटल और इस तरफ है ये बादाम मिल्क स्टॉल और ये जो स्टेशन है ना तिरुचिरापल्ली स्टेशन नजदीक है क्या यहाँ पे यहाँ से 1 किलोमीटर एक किलोमीटर की दूरी पे है और एयरपोर्ट भी नजदीक है एयरपोर्ट 3-4 किलोमीटर ओके